हेलो क्लास, अकाउंटिंग पार्ट 35 में हमने आपको बताया था कि हम ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट तीनों एक साथ बताएंगे। देखिए, ये एक ट्रायल बैलेंस बना है, ये जो है राय बहादुर का दिया हुआ है, इससे आपको ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, अब जैसे इसमें आप देख रहे हैं, हमने जैसे ट्रायल बैलेंस बताया था, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस रहेगा, परचेज डेबिट बैलेंस में लिखी जाएगी, सेल्स रिटर्न डेबिट में लिखा जाएगा, खर्चे जितने हैं सब डेबिट में लिखे जाएंगे, वेजेस सैलरी रिपेयर ट्रेड एक्सपेंसेस। ठीक है, इनकम जैसे सेल से है तो वो क्रेडिट पर लिखी जाएगी, तो पूरा ट्रायल बैलेंस आपका बना रहेगा। ठीक है, दोनों साइड इसकी बराबर आती है। अब इससे आपको ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनानी है। अब देखिए, एक चेक चलते देखिए, सबसे पहले हमने देखिए ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एक साथ बनता है, बैलेंस शीट अलग बनती है। ऊपर का पोर्शन ट्रेडिंग का रहता है, नीचे का इधर पीएल का, और बैलेंस शीट अलग रहेगी, इसी में नहीं रहेगी बैलेंस शीट। ठीक है, अब देखिए, हमने आपको बताया था जैसे ये है ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में लिखा जाता है, परचेज जो है 75,000 में से परचेज रिटर्न जो है इसको माइनस कर दिया, इसी में से निकाल के ये परचेज रिटर्न लिखा है, इसको माइनस कर दिया, ये आ गया। फिर फ्रेट एंड कैरेज जो है 7,500, ये देखिए इधर लिख दिया। फिर वेजेस जो है 36,500, ये लिख दिया। फिर इधर क्या लिखते थे हम लोग, ये सब हम आपको बता चुके हैं, फिर से एक बार आपको बता दे रहे हैं कि जैसे पूरा कैसे बनता है। ठीक, तो जैसे सेल्स 2,50,000 की, तो 2,50,000 की, फिर उसमें से जो सेल्स रिटर्न है उसको हमने माइनस कर दिया। ठीक है, जो सेल्स रिटर्न है ये देखिए ऊपर लिखी है 8,000 की, ये हमने माइनस कर दिया। फिर क्लोजिंग स्टॉक देखिए ऊपर ही लिखा है, ये दो जगह जाएगा, चूंकि ये बाहर लिखा है तो इसलिए ये दो जगह जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक 25,000। अब इसको जोड़ लिया, ये साइड ज़्यादा बड़ी है, ये कम है, दोनों का जो डिफरेंस है 1,31,000, ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया तो यही ग्रॉस प्रॉफिट फिर यहाँ फिर वापस आ जाता है। ठीक, अब ये पीएल का पोर्शन शुरू हो गया, पीएल के पोर्शन में पीएल वाली चीज़ों को डालिए, जैसे ये देखिए सैलरी 12,000 लिखी है, यहाँ पे भी 12,000 लिख दिया। फिर रिपेयर 1,200, ट्रेड एक्सपेंस 4,000 लिख दिए। फिर रेंट एंड टैक्सेस जो है वो भी लिखा हुआ है 24,000, तो वो लिख दिया। ठीक, फिर इसमें जो कमीशन रिसीव्ड है, यहाँ पे देखिए ये कमीशन, ये क्रेडिट साइड दी हुई है, लिख दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, वो लिख दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपने लिख दिया। फिर ये जो डिफरेंस आया, इसका जो डिफरेंस है 95,100, ये ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है, ये नेट प्रॉफिट, इसका बैलेंस इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, और इसका बैलेंस ये देखिए इधर जो है ये आपका ये बैलेंस शीट में ये ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, अब जितनी चीज़ें, ये नॉमिनल अकाउंट है, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस सब डेबिट में, इनकम और गेन क्रेडिट साइड पे लिखे। लेकिन और भी चीज़ें जैसे इसमें ट्रायल बैलेंस में बची है, जैसे बिल्स पेबल बचा था, ठीक है, और भी जो चीज़ें बची हैं, जैसे ये डेटर बचा है, तो वो सब चीज़ें कहाँ जाएंगी, यहाँ बैलेंस शीट में आ जाएंगी। जैसे बिल्स पेबल देख लीजिए आ गया, फिर उसके बाद जो है डेटर्स देखिए आपका क्रेडिट साइड में आ गया, कैश इन हैंड आपके पास दिया हुआ है वो आ गया, संडी डेटर्स आ गए, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, क्लोजिंग स्टॉक दो जगह गया, एक यहाँ गया और एक यहाँ पे, क्योंकि ये आउटसाइड दिया रहेगा तो आउटसाइड वाला एडजस्टमेंट माना जाता है, इसके बाद अभी हम एडजस्टमेंट बताएंगे, तो वो दो साइड जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से बैंक डिपॉजिट है, तो बैंक डिपॉजिट देखिए यहाँ नहीं आया, सीधे सीधे इसमें आएगा, प्लांट एंड मशीनरी जितने भी आए वो। फिर कैपिटल आपकी दी हुई है, ठीक है, तो कैपिटल जो है ये देखिए कैपिटल आपकी 1,70,000 दी है, तो ये कैपिटल आपकी 1,70,000, उसमें जो है नेट प्रॉफिट आपने यहाँ से निकाल के डाल दिया, दोनों जोड़ दिया। फिर ड्राइंग आपकी दी हुई है, ठीक है, तो ड्राइंग जो है उसको हम लोग माइनस कर देंगे, ये देखिए ये जो ड्राइंग दी है इसको हमने क्या किया, माइनस कर दिया, तो इतना आ गया। अब बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली सब दोनों साइड को जोड़िएगा तो दोनों साइड बराबर आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको बराबर करना पड़े, इसमें अपने आप बैलेंस शीट बराबर आएगी। अगर बैलेंस शीट सही आ गई तो आप समझ लीजिए आपका सम हो गया सही, वरना आप ये समझिए कि आपका सम गलत हो गया, फिर से सारी चीज़ों को आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हमने आपको ट्रेडिंग पीयर और बैलेंस शीट के बारे में बताया, अब नेक्स्ट टर्न से हम आपको एडजस्टमेंट समझाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।